बिल्कुल, राहुल ये जो जी, आउटसोर्सिंग हो रही है। आउटसोर्सिंग राहुल जी, लेकिन एक एक हवा जो बनाने की इंडिया ब्लॉक कोशिश कर रहा है। मैं ट्वीट पढ़ रही थी ममता बनर्जी के, संजय सिंह के, आम आदमी पार्टी और टीएमसी। पंजाब में शानदार आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी को धूल चटाई, लेकिन दोनों पार्टियों ने अपनी जीत में इंडिया ब्लॉक का जिक्र नहीं किया। इंडिया ब्लॉक का जिक्र सिर्फ कांग्रेस कर रही है। टीएमसी अकेले बंगाल में लड़ी, आम आदमी पार्टी अकेले पंजाब में लड़ी, तो ये इंडिया ब्लॉक की यूनिटी दिखाने की कोशिश सिर्फ कांग्रेस की है, बाकी सब धड़े अलग 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 अपना राह देखते हुए दिख रहे हैं क्या? देखिए, आज मैं ममता बनर्जी को सुन रहा था, चुनाव के नतीजों के बाद जो उन्होंने कहा है उसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन का नाम लिया, कई बार 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 लिया, अब वो गठबंधन की बात कर रही है। तो देखिए, इन दो जगहों पर ये बहुत स्पष्ट है कि जो एक अंतर विरोध है इंडिया गठबंधन के उनकी पार्टियों के बीच में, वो रहेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी अपना अपना आधार और अपने वोट नहीं छोड़ेगी और ये अपेक्षा उससे करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर, यानी प्रदेश के स्तर पर लड़ते हुए भी वो राष्ट्रीय स्तर पर एक समझ समन्वय बना सके और सहयोग बना सके तो कुल मिलाकर एक चुनौती बड़ी वो दे सकते हैं। लेकिन सर, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव तो अभी 5 साल बाद आएगा, 2029 में। बीच में तो सारे चुनाव विधानसभा के आएंगे, जहां एक दूसरे के बरक्स, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए लड़ते दिखेंगे। ये होगा, और ये जो एक शुरू से जब से इसका गठन हुआ है, हम सब लगातार ये कह रहे थे कि ये एक ऐसा अंतर विरोध है जिसका जो बहुत ठोस है, इसका इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और इससे उम्मीद करना कि लोग अपने अपने अपनी सीटें दूसरी पार्टी को, सहयोगी पार्टी को दे देंगे और पूरे गठबंधन के लिए काम करेंगे, या मतलब कोई ऐसे संत लोग नहीं है राजनीति में, कभी होते नहीं, कहीं भी नहीं होते, और उनकी ताकत भी इसीलिए बनी हुई है कि वो अपनी स्थानीय जगह पर मजबूत हैं, अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं। तो ये अंतर विरोध इसमें रहेगा और ये आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय स्तर पर किस कैसे रूप लेगा, क्या रूप लेगा, ये कहना अभी कठिन है। लेकिन फिलहाल जो एक बड़ा और लगातार हमारे सभी मित्रों ने जो बात कही है, इन उपचुनावों से दो तीन बातें, दो तीन संदेश बड़े स्पष्ट हमें दिख रहे हैं। मैं स्थानीय फैक्टर्स की बात नहीं करूंगा, उस पर काफी चर्चा हो चुकी, एक एक सीट पे हो चुकी। पहली बात कि धार्मिकता की राजनीति, हिंदू धार्मिकता की राजनीति नहीं चलेगी। लोग अपने मुद्दों पर चुनाव दे रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, मतदाता उम्मीदवारों पर वोट दे रहे हैं, स्थानीय फैक्टर्स के आधार पर दे रहे हैं, और लोग अवसरवाद की, वाणिज्यवादी राजनीति यानी दल बदलूपन के भी खिलाफ वोट दे रहे हैं। लेकिन 30 वर्षों का राहुल जी, जो हिंदुत्व का एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जब से पार्टी का इंसेप्शन हुआ, इंसेप्शन ही इसी नाम पर हुआ, और वो जो आदत में शुमार चीजें हैं, वो इतनी जल्दी ट्रैक बदल पाना, ये कितना प्रैक्टिकल होगा? ये मुझसे सवाल है? बिल्कुल राहुल जी, आप ही से पूछ रहे भाई। स्ट्रैटेजी ट्रैक बदलना, एकदम से अचानक से ट्रैक बदल देना, ये कितना प्रैक्टिकल बीजेपी के लिए होगा, हो सकता है क्या? देखिए, प्रैक्टिकल है कि नहीं, प्रैक्टिकल अगर तय कीजिए जाए तो प्रैक्टिकल चीजें हो जाती है। सवाल ये है कि अब ये आगे ये लोग किस तरह की समझदारी दिखाते हैं, अब आगे ये गठबंधन कैसे चलता है, कैसी समझ विकसित करता है, अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के, जहां जहां खासतौर पर उन तीनों प्रदेशों में, वहां की ये गठबंधन क्या रणनीति बनाता है। अपनी अपनी पार्टियां तो बनाएंगी उसकी, लेकिन क्या इन विधानसभा चुनावों में उनमें आपस में कोई समन्वय होगा, क्या कोई समझदारी बनेगी, क्या कुछ लेन देन होगा, तैयार होगा, तैयार होंगे वो अपना हित थोड़ा पीछे रखकर, गठबंधन का हित सामने रखने के लिए, ताकि एक राष्ट्रीय विकल्प बना सके। ये सब उनके ऊपर निर्भर करता है, हमारे आपके लिए ये नहीं तय है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। सर, दिल्ली में तो तय हो गया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग लड़ेंगी, बंगाल में टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट सब अलग लड़ेंगे, ये तय है। और आने वाले जो 3 राज्यों का चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा और अलावा इसके झारखंड, मैं इन 3 राज्यों पर भी आऊंगी, और जम्मू कश्मीर वो एक अलग विषय।